हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम तो ठीक ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और भोर सुबह उठते ही ये आंगन साफ करने में लगने वाला हूँ दोस्तों। ये 2 दिन का काम है दोस्तों, इधर से शुरू करके इधर तक हम लोग काम किए हैं और इतना बड़ा एरिया बाकी है। जहाँ पर अभी खोद रहा है, जहाँ पर वो साफ कर रहा है, उधर से उस कोने तक, वो मुर्गी तक, सॉरी मुर्गा तक, उधर से फिर इधर तक ये हमारा ऑरेंज का पेड़ तक, फिर उधर से ये एजबेस्टर तक, इतना बड़ा एरिया बाकी है। ये एरिया जब तक हम लोग साफ नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर हम लोग मिट्टी नहीं देंगे। धान काट कर लाने का टाइम हो गया है ना, पहले हम साफ नहीं करेंगे तो ला करके कहाँ पर रखेंगे। तो पहले हम बहुत ही एडवांस से हमारे आंगन को फ्रेश कर रहे हैं। हर साल ही हम लोग फ्रेश करते हैं दोस्तों, इस साल थोड़ा हम लोग देर कर लिए हैं, नहीं तो पिछले साल थोड़ा एडवांस से हम लोग साफ कर दिए थे। अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम है, बहुत कुछ मिट्टी फुट्टी लाएंगे, फिर प्लेन करेंगे, प्लेन करने के बाद गोबर देंगे, गोबर फोबर दे करके पूरा चकाचक करेंगे। चलिए अभी थोड़ा लग जाते हैं काम पर। और ये जो बच्चा साफ कर रहा है, ये हमारा रिलेटिव बच्चा है दोस्तों। कुछ दिन पहले आप लोगों को एक बच्ची दिखाया था ना मैंने, वो बच्ची घर में छोड़ दिया था, फिर स्कूल जब ओपन हो गया ये छोड़ने के लिए आया था, तो अभी रुक गए हैं इधर ही, कुछ दिन तक रुकेगा। तो सब काम में ही साथ दे रहा है, सब कुछ करने में। घास सब उठाने में उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, बट ये सब घास को फेंकने में मुश्किल लग रहा है दोस्तों। देखिए काल का भी हम लोग फेंक करके ख़त्म नहीं किया है, काल का भी कुछ स्टॉक है। इधर इधर से देखिए, इधर से उधर तक इस साइड का हम लोग फेंक दिए हैं। नहीं पापा, हाँ और आपका काम क्या है बताओ, आप क्या काम करोगे? मेरा आपका काम है ये कुट्टा, ये अंजरा अंजरा कुट्टा, सबको सड़ा हुआ कुट्टा, ये सबको फेंक देना, समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ, बस उतना ही काम करो, और घास फास उठाना काम ये हमारा है, समझ में आया? हाँ। चल वेल, तो अभी हम आए हैं मछली लेने के लिए। कल रात को हम लोग आड़ करके गए थे, और ये जो ट्रिक्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, ये न्यू ट्रिक्स है, मुझे पता नहीं था, ये बच्चे को ही पता था। और ये ट्रिक आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, अगर दिखाऊंगा तो हमारा इधर के लोग भी देख लेंगे ये ब्लॉग्स, और ये ब्लॉग्स के थ्रू उन लोग को भी पता चल जाएगा कि नहीं इन लोग ऐसे टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करके मछली पकड़ रहे हैं और इधर इधर आड़ रहे हैं। तो हम लोग को देख करके उन लोग भी आड़ेंगे, नहीं तो हमारा मछली सबको लेकर जाएंगे, इसी वजह से आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में नाइट टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगते हैं, डे के टाइम में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। और टोटल में 5 टिप्स हम लोग अप्लाई किए थे, 5 टिप्स एंड ट्रिक, तो मछली इतना सारा ही लगे है दोस्तों। नाइट के टाइम मछली सब शायद फूड नहीं खाते हैं, मैं 2-3 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखा, नाइट के समय उतना ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, डे के टाइम में ही लग रहे हैं। जितना जल्दी जल्दी आ करके आप लोग चेक करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को मछली मिलेगा, और देर कर लोगे तो मछली सब बाहर निकल जाते हैं। हम लोग जैसे ट्रिक अप्लाई किए हैं ना, वो ट्रिक में ज़्यादा देर तक रहने से मछली सब बाहर निकल जाते हैं। कल डे के टाइम में हम लोग 500 ग्राम से लेकर के 700-800 ग्राम तक हम लेकर गए थे, आज हम लोग कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा लेने के लिए, और थोड़ा ज़्यादा हम लोग आड़ेंगे, थोड़ा कम ही हम लोग आड़ रहे हैं, और साथ में हम लोग जल्दी जल्दी चेक करेंगे। चलिए आ जाओ, फूड दे रहा है आज भी, आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा ही नुकसान हो जाएगा अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो। वेल, तो अभी मैं लग गया हूँ हमारा फार्मिंग काम में। बहुत दिन पहले से आप लोगों को मैं बोल रहा था कि इधर मैं कुछ लगाऊंगा, साग फाग बैगन फैगन और जितना भी खाने के लिए सब्जी है, सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा करके मैं लगाऊंगा। बट इधर अभी लकड़ी से घेरना तो इम्पॉसिबल है, और अगर घेरूंगा तो बहुत दिन टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक ये सीजन भी ख़त्म हो जाएगा। तो हर साल जैसा ही इस साल भी मैं लेकर आया हूँ नेट, और ये आइडिया एकदम बेकार आइडिया है दोस्तों। मैं जितना बार भी नेट से घेरा हूँ, मैं फार्मिंग नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, खेती करके खेती उठा नहीं पाया हूँ, हर साल ही बर्बाद होता है। पिछले साल ही मैं नहीं किया था, फिर से इस साल क्या मान हुआ कि नहीं चलो इस साल एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। इससे बकरी मुर्गी सब
अटक रहे हैं, बट पिक को मैं नहीं अटक पा रहा हूँ दोस्तों, नहीं अटका पा रहा हूँ। पिक सब घुस रहे हैं फिर भी, और उतना स्ट्रॉन्गली खूंटा सब हम लोग नहीं गाड़े हैं ना। देखते हैं फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद रख करके मैं ये काम कर रहा हूँ, बट आइडियालेस काम कर रहा हूँ। आइडियालेस यानी ये नेट से घेर रहा हूँ ना, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आइडियालेस काम। फांसी लगाता तो बढ़िया होता है, ये बहुत ही नॉर्मल हो रहा है। ये टूट जाएगा जब बकरी बकरी बोल रहा हूँ पिक फिक घुसने के लिए ट्राई करेंगे तो टूट जाएगा, नहीं तो ये बैंड हो जाएगा। और इस साल थोड़ा बड़ा बड़ा लकड़ी दे रहा हूँ दोस्तों नीचे के साइड, और पिक सब जब भी घुसने के लिए ट्राई करते हैं तो नीचे के साइड से ही घुसने के लिए ट्राई करते हैं, ऊपर से कभी भी ट्राई नहीं करते हैं। पिक सब का मुंह इधर डाल देते हैं, उसके बाद उठा देते हैं। थोड़ा डीपली ही खोदो, इधर तक ये जॉइंट तक, ये हाथ का इधर से इधर तक ही खोदो, तब जा कर के स्ट्रॉन्गली रहेगा। और टोटल मैं नेट लाया हूँ 1 kg 100 ग्राम। ये नेट से हमारा नहीं होगा दोस्तों, कुछ एरिया फिर भी बाकी रहेगा। 1 kg 100 ग्राम का प्राइस है दोस्तों 250 रुपीज़। यार बहुत ही महंगा चल रहा है, मैं सोच रहा था कि ये सब नेट का प्राइस बहुत ही सस्ता होगा, बट 250 से ज़्यादा, जितना भी नेट बेच रहे हैं 250 से ज़्यादा। ये सब काम भी छोटा छोटा लगता है, लेकिन जब करता हूँ तो बहुत ही मुश्किल लगता है। कोई भी काम इसीलिए बोलते हैं छोटा नहीं होता है, टाइम लगता है दोस्तों, मेहनत लगता है, बिना मेहनत में कुछ भी नहीं होता है। फिर तरीके हो जाएगा, नीचे उठ गया। आराम से काटना, संभाल कर, नहीं तो हाथ में लग जाएगा कांटा, मुंह में लग जाएगा कांटा, और कहीं पर भी अगर कांटा लगेगा तो ये पेन जल्दी ख़त्म नहीं होता है, समझ में आया। धीरे धीरे काटो, हाथ में लगेगा देखो नीचे भी काटे हैं, जमी पर भी काटे हैं। यार अभी हम आए हैं कांटे बांस लेने के लिए। एक्चुअल में ये बांस हम लोग इसलिए ले रहे हैं, ये बांस से हम लोग छोटा सा एक खटिया बनाएंगे दोस्तों। अभी थोड़ा खटिया शॉर्टेज हो रहा है, फिक्स मेरा एक खटिया है, पापा का एक खटिया है, और एक खटिया ज़रूरत हो रहा है। यार मैं गेस्ट आ रहे हूँ तो हम लोग थोड़ा हैरान हो रहे हैं, उठना बैठना सोना ये सब में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो काट लिए, काटो काटो, आपका जितना हाइट है उतना रख करके कोट करो, पीस करो, 5 फुट रखो। हाँ 5 फुट से ज़्यादा रखो, इतना 5.5 फुट 6 फुट ऐसा रखो। यार पता नहीं मच्छर सब कितने दिन से भूखे में थे, तगड़ा काट रहे हैं दोस्तों, सुकून में हम लोग नहीं रह पा रहे, काट भी नहीं पा रहे। और जो कैमरा में अभी मोबाइल पकड़ कर जो मुझे शूट कर रहा है वो भी सुकून में नहीं रह पा रहा है। यार बहुत तगड़ा काट रहे हैं, पूरा बॉडी फूल गया और खुजली हो रहा है। इसी जगह में अगर 1 महीने में रहूँगा तो शायद क्या बोलते हैं क्या डिजीज होता है मच्छर काटने से, वो डिजीज मुझे हो जाएगा। ओ भाई, और कांटे बस उतना जल्दी भी नहीं होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी काटना इम्पॉसिबल है। बस कल तो मैं एक ऑनलाइन ऑफिस गया था मेरा कुछ काम ले करके, और वो काम फाइनली आज मैं सुलटा लिया हूँ दोस्तों। बहुत कुछ अभी पेंडिंग चल रहा है और मैं भी वही सब करने जा रहा हूँ ना, इसी वजह से इधर उधर जाने के लिए पड़ रहा है, और उधर ही बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम चला गया। और लोड करके अभी इधर देख रहा हूँ तो देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है। ये रिश्तेदार हमारा पूरा रेडी कर लिया है, देखिए बना करके चारों साइड देखिए ना, पूरा रेडी कर लिया है पूरा। मैं उधर तक करके उसको छोड़ दिया था, 50% करके मैं गया था, और लौटते लौटते ये पूरा रेडी कर दिया है, और 50% वो खुद ही बनाया है दोस्तों। उस साइड गेट है देखिए पूरा, क्या हुआ कुछ बोलो, क्या बोलना चाहते हो, कल लगाएंगे आज लगाएंगे या और कभी लगाएंगे? हैं आज नहीं लगाएंगे, कल को लगाएंगे, कल सुबह लगाएंगे। इस साइड भी देखो, मार्केट से बीज फीज ला करके हम लोग पूरा रेडी कर लिए हैं, बट आज हम लोग नहीं बुनेंगे, कल सुबह नहीं तो शाम को बुनेंगे। इधर और भी कुछ काम है, इधर गोबर गोबर फोबर देना पड़ेगा, और साथ में कुछ घास फास है वो सब उठा करके हम लोग फ्रेश करेंगे, और थोड़ा ये मिट्टी को हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इधर बहुत सारा प्रोसेस है दोस्तों, जब मैं बुनूंगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा, बट आज नहीं हम लोग बुनेंगे, कल को ही बुनेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे फिशिंग करने के लिए, तो और हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे आज का छोटा सा ब्लॉग्स को इतने में ही एंड करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो, और यही दुआ है भगवान को कि आप सब का लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय करो इधर।
कैमरे में, बस बाय बाय, सुनाई नहीं दिया। हाँ।